अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रज़ा सुहेल और आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़ HD। जीतना से लिए चलते हैं आपको आज की अहम तरीन खबरों की जानिब। सबसे पहले आपको खबर दें मोरो सिंध से, जहां पे हमारे नुमाइंदे सिंधी अल्ताफ सोमू की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला नौशहरो फ़िरोज़ की तहसील मोरो के दर्श पुलिस स्टेशन की हदूद अली कॉटन फैक्ट्री के करीब से 2 दिन पुरानी अब्दुल वाहिद चांडियो की लाश बरामद। इसी इतला जब दर्श पुलिस को मिली तो SHO दर्श रफ़ीक भोनियो और इसके अलावा बोहियो और कांस्टेबल गुलाम अल्लाह चांडियो और पुलिस मोबाइल जाए वकुआ पर पहुंच गए और लाश को मुतलका अस्पताल मोरो पहुंचाया, जहां पर लाश की पहचान अब्दुल वाहिद चांडियो के नाम से हुई है, जिसकी रिहाइश गांव जम्मू चांडियो में थी, जबकि हालिया रिहाइश मोरो के वार्ड नंबर 2 में है। मरहूम अब्दुल वाहिद चांडियो के बेटे ने नेशनल प्रेस क्लब मोरो के सहाफ़ी और पावर प्लस न्यूज़ के सिंधी अल्ताफ सोमरू को बताया कि मेरे वालिद का जहनी तनाज़ुन ठीक नहीं था, बाबा खुद गांव आते और चले जाते, मगर 2 दिन पहले घर से गांव के लिए निकले थे पर कहीं गुम हो गए और आज मेरे वालिद की लाश मिली है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मुझे लगता है मेरे वालिद रास्ते में गिर गए थे और ज़ख्मी हो गए, ज़ख्मी होने की वजह से मेरे वालिद की वफ़ात हो गई। मरहूमी की लाश गांव पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया और शोक का समा तारी हो गया और हर आंख अश्कबार थी। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए अब आपको खबर देते चलें जीतनासीन। कलोर कोट से हमारे नुमाइंदे समीउल्ला रोडी खेल के मुताबिक मुआविन खसूसी वज़ीर आला पंजाब अमीर मोहम्मद खान हसन खिलवी की कलोर कोट टाउन कमेटी कलोर कोट आमद लोगों के मसाइल सुने और कलोर कोट के लिए खसूसी तौर पर सड़कें नालियाँ देने का कहा। इस मौके पर कलोर कोट की सियासी समाजी शख्सियात मौजूद थीं, जिनमें मलिक समीउल्ला रोडी खेल वाइस चेयरपर्सन यूनियन कौंसल, मलिक जहूर अहमद रोडी खेल, मलिक एजाज रोडी खेल और इसके अलावा दीगर भी शरीक हुए। जीतनासीन आपको मजीद तफसीलात से आगाह करते चलें कि राव तारिक चेयरमैन जो के 63DB, मलिक इकराम चधड़, मलिक महबूब मेवल TMA कलोरकोट सुहेल अनवर खान और इसके अलावा दीगर भी समेत म्यूनसिपल कमेटी कलोरकोट भी मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए अब आपको खबर दें लोधरा से हमारे सिटी रिपोर्टर मलिक मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक। आपको आगाह करें जीतनासीन वापडा अहलकारों की बदमाशी, ट्रांसफार्मर नस्ब करने की कीमत 25,000 रुपये की डिमांड। इलाका मकीन सरापा एहतजाज अहलियान इलाका का कहना है कि 15 रोज़ कबल ट्रांसफार्मर मुरम्मत के लिए उतारा गया, मगर शदीद गर्मी में वापडा अहलकारों को ना तो आवाम पर तरसाया और ना ही इनके जानवर, जिन्हें पानी पिलाने के लिए 2 किलोमीटर नहर पर ले जाया जाता है, जो इंतहाई मुश्किल काम है। इलाका मकीनों मोहम्मद आशिक आरिफ और इसके अलावा दीगर ने ट्रांसफार्मर मुरम्मत और नस्ब ना किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि वापडा एहलकार इनसे भत्ता मांग रहा है, बसूरते दीगर इसने कहा है कि ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं किया जाएगा। इलाका मकीन नवा खून ने MP खान नज़ीर अहमद खान बलोच, असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी और एक्सियन वापडा लोधरा समेत चीफ मैपको से एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि इनके हाल पर रहम किया जाए और वापडा एहलकारों की बदमाशी से निजात दिलाकर शदीद गर्मी में से बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं मुल्तान का, जहाँ पर डिप्टी ब्यूरो चीफ आपको आगाह करते चले मुल्तान से अली मोहम्मद लोधी के मुताबिक। आपको आगाह करें कि नारकोटिक्स कमेटी डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के तमाम अहदेदारान ने वाइस चेयरपर्सन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब चौधरी वसीम अख्तर रामे साहब की मुल्तान आमद से कबल चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब डिस्प जो के ट्रिक्ट मुल्तान मखदूम अकमल हाशमी और इंजीनियर राना मोहम्मद शराज एग्जेक्टिव मेंबर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब डिस्ट्रिक्ट मुल्तान अपनी टीम के हमरा चौधरी वसीम अख्तर रामी साहब का वालिहाना इस्तकबाल करने के लिए तैयार। इस मौके पर वाइस चेयरमैन नारकोटिक्स कमेटी मुल्तान मोहम्मद हसनैन रज़ा अठंगल, चेयरपर्सन नारकोटिक्स कमेटी मुल्तान मोहतरमा तस्नीम काकब राजपूत और मोहतरमा गुलनसीम नसरीन साहिबा और दीगर भी हमरा मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं बांधी का, जहाँ पे हमारे नुमाइंदे गुलाम मोहम्मद गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला सिंध की हेपेटाइटिस से पाक सिंध प्रोग्राम के तहत सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो की हदायत पर आज 1 रोज़ा हेपेटाइटिस से बचाव की मुफ्त वैक्सीनेशन कैंप तहसील सकरन के गाँव उमर बोदलेजा में लगाई गई, जिसका इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शहीद बेनज़ीराबाद डॉक्टर दौलत जमाली और डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन बराए हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर रियाज शाह ने किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर दौलत जमाली और डॉक्टर रियाज शाह ने कहा कि हेपेटाइटिस एक ख़तरनाक बीमारी है, जिसका इलाज बहुत महंगा है, इसलिए सिंध हुकूमत की जानिब से हेपेटाइटिस से जो कि मुतासर मरीजों के मुफ्त टेस्ट और इलाज के लिए ये प्रोग्राम सिंध भर में शुरू किया गया है, ताकि गरीब और बेसहारा अफराद को इनकी दहलीज पर मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करने के साथ साथ अवाम में इस बीमारी से बचाव के लिए शऊर उजागर करना है। उन्होंने मजीद कहा कि आज मुनक्किद होने वाली इस कैंप में ना सिर्फ उमर बोदलेजा गांव के अफराद बल्कि गिरदोनवा के दीगर अवाम का भी फ़ायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन कैंप में 313 अफराद को हेपेटाइटिस से बचाव की वैक्सीनेशन लगाई गई, जिसमें 110 बच्चे शामिल हैं, जबकि 205 अफराद की स्क्रीनिंग की गई। इसमें एक मर्द और एक खातून की HBV रिपोर्ट मस्बत और 3 खवातीन की HCV रिपोर्ट मस्बत आई, जिसको मजीद तशखीस और इलाज के लिए हेपेटाइटिस सेंटर सखरंड रेफर कर दिया गया है। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए रुक करते हैं खुशाब का, जहाँ पे हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ राजा नूर आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक नूरपुर थल के काबिल फख्र सपूत मलिक मोहम्मद रईस सात गुजर का एक और एहसास चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन अथॉरिटी खुशाब की तरफ से हसन कारकर्दगी सनत की अदायगी। CEO खुशाब अथॉरिटी जनाब AD खान बलोच ने हर दिल अजीज मिलनसार पुरवकार शख्सियत के मालिक जो के अजीज़म मलिक मोहम्मद रईस सात गुजर को तहसील सदर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड अता किया। इस पुरवकार तकरीब में प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ज़िला खुशाब के सदर रज़ा अली खान और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिलाल हफीज़ भी मौजूद थे। दरिया असना सदर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट तहसील नूरपुर थल मलिक रईस सात गुजर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी पै दर पै कामयाबी मेरे वालदैन की दुआएँ और मेरे शफीक उस्ताद कराम की हमार वक्त की तालीम और तरबियत का समर है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं अपने इस अवार्ड को अपने तमाम तर नूरपुर के प्राइवेट स्कूल्स के नाम करता हूं। अपने तमाम दोस्तों स्कूल्स ऑनर्स का इस एतमाद और इज़्ज़त अफजाई पर शुक्रगुजार हूं। वाज़े रहे कि मलिक मोहम्मद रईस सात गुजर नूरपुर थल के गुजर बिरादरी की काबिल फ़ख्र चश्मो चिराग और फ़ख्र थल नामवर माहिर तालीम जनाब प्रोफेसर मलिक गुलाम हबीब गुजर मरहूम और इसके अलावा के साहबजादे हैं। नूरपुर थल के इल्मी घराने से काबिल फ़ख्र सापूत तहसील भर के प्राइवेट स्कूल की फ़ालियत के लिए काबिल हद सताइश और लायक तहसीन और आफरीन किरदार कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अब आपको खबर देते चलें मेहड़ के करीब नवाही गांव कोरो हुसैन के मकीन गुलाम मुस्तफ़ा चांडियो गुलाम नबी चांडियो और राजा चांडियो और अमीन चांडियो और इसके अलावा दीगर बासर वडेरे बदर चांडियो हयात चांडियो ने कब्जा करना चाहते हैं। कब्जा माफिया गांव के बासर DSP की EN शाह पीर बख्श चांडियो और इसके भांजे ज़ाहिर चांडियो की सरपरस्ती में कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे का हम शदीद मजम्मत करते हैं। मुतासरीन ने मजीद बताया है कि गांव के बासर अफराद DSP के EN शाह पीर बख्श चांडियो और इनके भांजे ज़ाहिर चांडियो ने हमारे ऊपर झूठे मुकदमात दर्ज करवाए और जान से मारने की धमकियाँ दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आला वज़ीर आज़म पाकिस्तान IG सिंध DIG हैदराबाद SSP दादू बासर अफराद और DSP की जो के DSP EN शाह और इनके भांजे ज़ाहिर चांडियो के खिलाफ कार्रवाई करके हमें तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अब खबर शामिल करेंगे झंग से। हमारे नुमाइंदा खसूसी मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक 20 रुपये ना देने पर हाथ काट दिया। जीतनासीन गोजर रेलवे फाटक के करीब रिक्शा ड्राइवर से ठेकेदार ने पर्ची के 20 रुपये मांगे थे। 20 रुपये ना देने पर झंग के ठेकेदार ने रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद किया और हाथ काट दिया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने चिंची रिक्शे का टैक्स 20 रुपये मुकर्रर किया है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। खबर दें आपको भावनगर की तहसील चिश्तियाँ से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इशफाक भट्टू के मुताबिक नून लीगी MNA और MPA सियासी जलसा करना महंगा पड़ गया। चिश्तियाँ इंतजामी की जानिब से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ असले की नुमाइश और साउंड सिस्टम एक्ट की दफात के तहत पुलिस स्टेशन बख्शन शाह में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में लीगी MNA एहसानुल हक बाजवा MPA चौधरी काशिफ समेत दीगर सियासी कारकुनान भी नामजद रहे। चिश्तिया के नवाही इलाके बख्शन शाह में लीगी MNA और MPA की खातिर राना मकसूद नामी सियासी कारकुन की जानिब से जलसे का इनेकाद, जिसमें कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र बनाई जाने वाले SOPs को सरे जो के सिर से नज़रअंदाज किया गया। असले की नुमाइश और साउंड सिस्टम एक्ट की खुलम खुला खिलाफ वर्जी। SHO थाना बख्शन शाह ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजमान के खिलाफ SOPs की खिलाफ वर्जी, असले की नुमाइश, बगैर इजाजत जलसा और पेनाफ्लेक्स एक्ट के खिलाफ वर्जी की FIR दर्ज कर ली है। अब तक के लिए बस इतना ही। मजीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पावर प्लस न्यूज़ HD। मैं रज़ा सुहेल, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।